Assalamu alaikum, me Sheikh Asif, tutor of mathematics of YouTube channel SA Math Vibes. Hum GC University Faisalabad ki outline discuss kar rahe the. Math code 321, course name algebra and trigonometry. Hamara article jo chal raha tha wo tha quadratic equation. Quadratic equation mein jo hum discuss kar rahe the wo tha equation reducible to quadratic form. हम ऐसी इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे जो दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे नहीं थी, लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे. सो हमने उसकी पहली तीन टाइप्स जो है वो डिस्कस करके अपने चैनल पे जो है वो अपलोड कर दी है. डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके देख सकते हैं. सो ये टाइप फोर है जो डिस्कस करने जा रहे हैं. देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस विच डू नॉट लुक टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट कैन बी कन्वर्टेड इन क्वाड्रेटिक फॉर्म. We shall discuss the solution of these types one by one. So this is the type 4 which we are going to discuss. Type 4 is reciprocal equation. So dekhte hain reciprocal equation ka solution kaise karna hai. Pehle dekhte hain reciprocal equations hoti kya hai. An equation which remains unchanged when x is replaced by 1 by x. ऐसी इक्वेशन जिसमें x को आप 1 बाई एक्स के साथ रिप्लेस कर दें और इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, सो वो इक्वेशन आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है. एक तो ये इसकी सिम्टम है. एक और सिम्टम है कि जो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है इसका जो x का कॉफिशेंट होता है वो बिगनिंग और एंड से मैग्नीट्यूड में बराबर होता है. एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 over x called reciprocal equation. In such equation, coefficients of term equidistant from beginning and end are equal in magnitude. So, जो coefficient होता है वो start से end तक जो है वो magnitude में एक जैसा रहता है. ये दो जो है वो quality पाई जाती है किसमें, reciprocal equation में. Number one quality ये होती है कि आप x को 1 by x के साथ replace कर दो, equation पे कोई फर्क नहीं पड़ता. नंबर दो इसकी क्वालिटी ये होती है कि इसका स्टार्ट और एंड जो कोफिशेंट है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है. सो ये दो आपके पास क्वालिटीज़ हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन की. आप किसी भी इक्वेशन को इन दो के ऊपर चेक करके आइडिया लगा सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. सो हम देखते हैं ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं. एक तो इसकी एक्स की पावर फोर है, जो हाईएस्ट पावर है एक्स की पावर आपके पास फोर है. तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर को स्केयर बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को स्केयर पर डिवाइड कर देते हैं. सो पूरी इक्वेशन को एक्स फोर बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स बाई एक्स स्क्वेयर, वन बाई एक्स स्क्वेयर. सो ये एक्स स्क्वेयर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वेयर बचेगा फोर में से, और ये आपके पास थ्री एक्स बच जाएगा, ये आपके पास फोर बच जाएगा, ये माइनस थ्री बाई एक्स बच जाएगा, प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर बच जाएगा. इसको थोड़ा अरेंज किया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स इंटू थ्री बाई एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो. सो एक दो ये एक्स है इसको वन बाई एक्स में कर दिया, ये एक्स है इसको वन बाई एक्स में कर दिया. दूसरा इसका एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पर वन है, तो इसमें एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पर भी वन है. यहाँ पे x का कॉफिशेंट अगर 3 है तो यहाँ पे भी x का कॉफिशेंट आपके पास 3 आ रहा है. सो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं. एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर कर लिया, माइनस थ्री कॉमन ले लिया, x प्लस वन बाई एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो. सो क्या किया, x प्लस वन बाई एक्स को y के इक्वल पुट किया और स्क्वेयरिंग कर ली, क्योंकि इसकी जगह अगर रिप्लेसमेंट करनी है एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर की जगह, तो आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म होगी, तो आप रिप्लेस कर सकते हो. तो वो कैसे आएगी, स्क्वेयर लेने से. तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर. सो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर माइन प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई वन बाई एक्स, तो आपके पास टू बचेगा, और इधर वाई स्क्वेयर. सो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस टू, पुट इन ए. इसको दोबारा आप ए में पुट कर देते हो तो आपके पास क्या बन रही है फॉर्म, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर की जगह क्या पुट कर दिया, वाई स्क्वेयर माइनस टू, वाई स्क्वेयर माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स को किसके इक्वल पुट किया था, वाई के. सो वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो. रेंज कर लिए इनको, वाई स्क्वेयर माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो. सो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी. अब इसके आप पेयर बना सकते हैं. सो वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, इधर से वाई कॉमन आ जाएगा.
सॉरी, इधर से y कॉमन आ जाएगा तो y इंटू y माइनस टू, माइनस वन कॉमन आ गया, y माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो y माइनस टू इक्वल टू जीरो, y माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू टू, तो y को किसके इक्वल पुट किया था, x प्लस वन बाई एक्स के, सो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स, इसको उस तरफ ले गए एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आप इसके फैक्टर बना लो, बल्कि ये तो फार्मूला है एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर, सो आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, अगेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू वन, ये आपके पास फैक्टर आ गए। y माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो y किसके इक्वल था, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन, एक्स एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू एक्स आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ये अगेन आपके पास क्या फॉर्म आ गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई, लेकिन ये आपके पास फैक्टरेबल नहीं है, तो आप इसके ऊपर क्या करोगे, बाई फार्मूला अप्लाई करोगे। तो बाई फार्मूला अप्लाई किया, एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस वन माइनस फोर अंडर रूट ओवर टू, सो आ गया वन प्लस थ्री अंडर रूट आयोटा बाई टू। सो ये आपके पास, जब आपके पास ये फॉर्म गिवन थी एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो हमने सबसे पहले इसको एक्स स्क्वेयर पर डिवाइड किया, फिर ये एक्स वन बाई एक्स की फॉर्म में आ गई, सो एक तरफ स्क्वेयर था एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर, दूसरी तरफ जस्ट एक्स प्लस वन बाई एक्स था, तो हमने एक्स प्लस वन बाई एक्स को वाई के इक्वल पुट किया, फिर स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयरिंग करने से हमारे पास रिप्लेसमेंट उसकी तैयार होगी, जैसे ही रिप्लेसमेंट में वाई के इक्वल पुट किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। फिर हमने उसके फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद जो वाई का रिजल्ट आया उसको हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी वाई के इक्वल, उसके इक्वल रखा, अगेन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एक के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टरेबल बनी और एक नॉन फैक्टरेबल बनी, सो एक पे फार्मूला अप्लाई हो गया और एक पे फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ, तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया, वन वन प्लस थ्री अंडर रूट आयोटा बाई टू। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर वन था जो इस टाइप से होना था, तो एक तो इसकी प्रैक्टिस हो गई है, एक हम ये सवाल ऐसा था जिसमें आपको x प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म बनानी पड़नी थी, और एक एग्जांपल ऐसी कंसीडर करते हैं जिसमें x प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म आपके पास मौजूद होगी, आपने जस्ट y पुट करना है और उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स, यहाँ पे भी x प्लस वन बाई एक्स है, इधर भी x प्लस वन बाई एक्स है, जबकि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमें ये बनाना पड़ा था एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट करनी थी, यहाँ पे स्क्वेयर था यहाँ पे x है, तो मुझे स्क्वेयर दोनों तरफ लेना पड़ा था, तब जाके हम वैल्यू को रिप्लेस कर सकते थे। यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं है, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ पे डायरेक्टली आप x प्लस वन बाई एक्स को y पुट करो, सो आपके पास ये क्या आएगा, वाई का स्क्वेयर माइनस थ्री वाई माइनस फोर, तो आपके पास फ़ौरन से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अगेन आप इसके फैक्टर बनाओगे, वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई प्लस फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, वाई कॉमन आ गया तो वाई माइनस फोर, प्लस वन कॉमन आ गया तो वाई माइनस फोर, वाई माइनस फोर वाई प्लस वन, आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गए, सो वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। जब y को आपने 4 के इक्वल रखा, सो x प्लस वन बाई एक्स आपके पास किसके इक्वल था, 4 के, सो एक्स स्क्वेयर प्लस वन फोर एक्स आ गया, सो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगेन इसके फैक्टर नहीं बनते, तो हमने इसके ऊपर क्या किया, बाई फार्मूला अप्लाई किया, तो x इक्वल टू बी आपके पास 4 आ गया, प्लस माइनस बी का स्क्वेयर आपके पास 4 का स्क्वेयर 16 आ गया, माइनस फोर ए सी, ए भी वन है सी भी वन है, तो माइनस फोर ही आएगा, डिवाइडेड बाई टू ए आपके पास वन है, सो 16 माइनस फोर करोगे 12 आ जाएगा, 12 को दो हिस्सों में डिवाइड करोगे 4 मल्टीप्लाई थ्री, फोर का स्क्वेयर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 आपके पास फिर बाहर आ जाएगा, 2 से ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 स्क्वेयर रूट, ये आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट आ जाना, x का रिजल्ट आ जाना। जब y इक्वल टू माइनस 1 रखना है, सो x प्लस 1 बाई x इक्वल टू माइनस 1, अगेन x एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स, सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये नॉन फैक्टरेबल है, फार्मूला अप्लाई होगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वेयर वन माइनस फोर ए सी, आपके पास क्या आ गया, आ जाएगा माइनस थ्री स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई टू, सो माइनस थ्री स्क्वेयर रूट को आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस वन स्क्वेयर रूट एंड थ्री स्क्वेयर रूट, सो माइनस वन स्क्वेयर रूट आपके पास आयोटा के इक्वल आ गया,
सो x इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट आयोटा बाई टू, ये आपके पास सोल्यूशन सेट निकल आया, टू प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट आयोटा बाई टू, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन थी और इसको सॉल्व करने का ये प्रोसीजर था जो हमने सीखा है। टोटल हमने चार टाइप्स पढ़ी हैं इक्वेशंस की जो रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, मीन जो दिखने में आपको सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की इक्वेशंस नहीं लगती थी लेकिन जब हमने उनके ऊपर फार्मूले अप्लाई किए तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी। बट आपको स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप को किस मेथड के साथ करना है? अगर चार टाइप्स हैं तो चार ही मेथड हैं, हर टाइप में कुछ ना कुछ आपको हिंट गिवन है, कुछ ना कुछ हिंट आपको नज़र आएगा जो टाइप बता देगी कि मेरे अंदर ये वाला हिंट मौजूद है, इस इक्वेशन में ये वाला हिंट मौजूद है, इस हिंट से आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। सो मैंने हर टाइप का जो हिंट है वो उस टाइप के सोल्यूशन में दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आप जो टाइप्स फोर है उन टाइप्स के ऊपर चार लेक्चर्स है जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, आप उन चार लेक्चर्स को देख के इन चार टाइप्स को कवर कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।